ब्राइट ग्लोइंग और ग्लास लुक हेल्दी स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा DIY है जो कि बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं और उससे आपकी स्किन हो जाएगी इस तरीके की ग्लासी। तो ये ग्लास इफेक्ट जो है बहुत आसानी से आप पा सकते हैं और उसके लिए सिर्फ आपको कुछ ही इंग्रीडियंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों के सब्सक्रिप्शन बटन पे आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में दिए गए इस बेल आइकन को अगर आप क्लिक करते हैं तो सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिलेंगे। इस DIY के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा राइस आटा। तो ये जो होता है बेसिकली चावल का आटा है जो कि आप घर में बना सकते हैं। थोड़ा एलोवेरा जेल, लीफ मिल जाए एलोवेरा की तो काफ़ी अच्छी है, नहीं मिलती है तो मार्केट का एलोवेरा जेल भी आप ले सकते हैं। उसके बाद चाहिए होगा रोज वाटर। आपको पता है मैं प्योर इंग्रीडियंट्स यूज़ करती हूँ तो एकदम प्योर रोज वाटर है ये। यहाँ पे स्प्रे है तो मैं इसे एज ए मिस्ट भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। और आपको चाहिए होगा शहद, तो शहद से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और सॉफ्ट हो जाती है। सबसे पहले एक बड़ी चम्मच हम चावल का आटा लेंगे एक बाउल के अंदर। तो चावल जो होता है हमारी स्किन को लाइटनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और कोरिया में काफ़ी लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि राइस के होते हैं। तो राइस आपके हेयर्स और स्किन दोनों के लिए अच्छा है। तो एक बड़ी चम्मच हम चावल का आटा लेंगे और फिर उसमें हम मिलाएंगे एक छोटा चम्मच एलोवेरा का। तो एलोवेरा जो होता है हमारी स्किन को स्मूथ करता है, कोई एक्ने वगैरह होती है तो उसे रिमूव करता है, हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है उसे रिमूव करता है और सनबर्न जो होता है उसे भी रिमूव करता है। इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें एक छोटी चम्मच शहद। जितना हम एलोवेरा लेंगे उतना ही शहद लेंगे, इससे हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। तो हमारी स्किन के लिए सर्दियों में शहद बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन और हेल्थ दोनों के लिए। देन मैं इसमें डालूंगी रोज वाटर। तो दोस्तों अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें रोज वाटर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़ी चम्मच रोज वाटर का डाल रही हूँ। इसमें एक ब्रश की हेल्प से हम इसे दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई लंप नहीं रह जाए और ये बहुत अच्छे से एक थिक स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करिए और जब एक थिक स्मूथ पेस्ट ये बन जाए तो उसे एक पैच टेस्ट लीजिए। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करिए, कोई लंप नहीं रह जाएगा और ये एक थिक पेस्ट बन जाएगा। तो मेक श्योर कि ये थिक पेस्ट हो, पतला ना हो, थिक ही हो, क्योंकि आपको ये बहुत मोटी और थिक लेयर लगानी है। तो इसके लिए आपको एक थिक पेस्ट बनाना है। जब आपका पेस्ट कुछ इस तरीके का बन जाएगा तो आप प्लीज़ इसका एक पैच टेस्ट ले लीजिए ताकि कोई एलर्जी अगर आपको किसी इंग्रीडियंट से हो तो आपको पता चल जाए। तो एक पैच टेस्ट लेंगे, अगर ये आपको सूट करता है तो इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए लगा सकते हैं। हम इस DIY फेस मास्क की बहुत ही थिक लेयर लगाएंगे और इसे अपने पूरे फेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइस फ्लोर जो होता है उसके अंदर ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत दरदरा होता है। तो हम जब ये सेमी ड्राई कंडीशन में होगा उस टाइम पे इसे अपने फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे ताकि ये एज ए स्क्रब भी वर्क करे और जितनी भी डेड स्किन हमारे फेस के ऊपर है उसे रिमूव करे। तो ये एज ए एक्सफोलिएटर भी वर्क करता है। तो उसके बाद जब हम ये सूख जाएगा और हम अपने फेस को इससे मसाज कर लेंगे तब नॉर्मल टैप वाटर जो होता है जो कि ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो उससे हम इसे पूरे अपने फेस को धो देंगे और जितना भी इसका रिमेनिंग होगा उसे फेस पे से रिमूव कर देंगे और एक अच्छे मॉइस्चराइजर से इसे फिनिश करेंगे। तो दोस्तों मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अभी ये सेमी ड्राई कंडीशन में है तो मैं अपने फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट करके इसे धो के आती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। तो आप इस DIY फेस मास्क से काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट पा सकते हैं, आपकी स्किन भी जो है काफ़ी ज़्यादा रेडिएंट हो जाएगी और ग्लास स्किन जो इफेक्ट होता है वो आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले इसके लिए बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करिए। एंड मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।